पिछले कई दिनों से हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीती रात्रि दारू थाना क्षेत्र के बलिया गांव में 20 से 25 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। इसी दौरान काबिलासी पंचायत के पूर्व मुखिया पति अशोक रविदास को जंगली हाथियों ने कुचलकर बेरहमी से मार डाला। ग्रामीणों ने बताया कि दिन में तो हाथी जंगल की ओर चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही हाथियों का झुंड गांव की ओर प्रवेश कर जाता है। अब कई लोग के घरों को भी नुकसान पहुंचा है और खेत में लगे फसलों को भी तहस नहस कर दिया है। वहीं हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। इधर मृतक अशोक रविदास के शव को ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग ले गए हैं। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। वहीं इस घटना को लेकर वन विभाग अपने स्तर से छानबीन में जुड़ गई है। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। मामला है गांव के मामला है ना सर, सिलाडी गांव हुआ ना, इनका डेथ हुआ है, अशोक राम इनका नाम है, इनके पिताजी के सहदेव राम नाम हुआ। ये फसल लगा हुआ था बारी बगल में, घर के बगल में, और एक्चुअल में 30-35 के संख्या में हाथी लोग आए हुए थे और फसल बर्बाद कर रहे थे। तो ये लोग अपने देखने के लिए गया था अपना है ना बारी खेत में, उसी के दरमियान में हाथी जो है सो इनको जब दबा पड़ा मौत हो गया। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार दास हुआ। आप कौन हुए मृतक के? मृतक के मैं बुतिया में हम लोग हैं ना।